मोबाइल बैंकिंग में एक न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, एक न्यू यूज़र कैसे जो है अपना मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट करेगा जिसमें एटीएम कार्ड के माध्यम से या ब्रांच कोड के माध्यम से या एटीएम मशीन के माध्यम से सबसे पहले जितने भी परमिशन मांगा जाएगा इसके अलाउ कर देना है। उसके बाद नेटवर्क जो लोकेशन है उसको लाइव परमिशन देना पड़ेगा, तभी ये एप्लीकेशन ओपन होगा मोबाइल बैंकिंग। इसमें आप लोग सबसे पहले प्ले स्टोर से एक न्यू फ्रेश एप्लीकेशन डाउनलोड करके ऐसे ओपन कीजिएगा और जो आपके बैंक में फ़ोन नंबर दिया हुआ है वही फ़ोन नंबर सेम मोबाइल में रखिएगा, तभी आपको ये क्योंकि सिम भी वेरिफिकेशन करता है। तो चलिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खोलने के बाद ऊपर रजिस्टर्ड वाला ऑप्शन क्लिक करना है। नीचे आप न्यू अकाउंट भी ओपन कर सकते हो ऑनलाइन घर बैठे। तो रजिस्टर्ड वाला ऑप्शन क्लिक करने के बाद यहाँ जितने भी टर्म एंड कंडीशन है इसे पढ़ भी लेना है आपकी इच्छा अनुसार और इसे एक्सेप्ट करना है। उसके बाद दो ऑप्शंस दिए गए हैं, सीआईएफ नंबर और दूसरा जो है अकाउंट नंबर। तो सीआईएफ नंबर का वाला वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो अकाउंट नंबर के थ्रू मैं दिखा देता हूं, क्योंकि अकाउंट नंबर सभी के पास होते हैं, जो ऑनलाइन अकाउंट ओपन किए हैं उनके पास भी होगा और जो ऑफलाइन अकाउंट ओपन किए उनके तो पासबुक में 100% होगा। सीआईएफ नंबर न्यू खाते में भी प्रिंट रहता है जो ऑफलाइन अकाउंट ओपन किए हैं, तो सीआईएफ नंबर भी काफ़ी आसानी से मिल जाता है। लेकिन चलिए मैं अकाउंट नंबर के थ्रू बता देता हूँ क्योंकि अकाउंट नंबर सभी के पास अवेलेबल होता है। तो आपका जो भी अपना अकाउंट नंबर यहां पर सिंपली लिख दीजिएगा, अकाउंट नंबर लिखने के बाद सबमिट कीजिएगा। सबमिट करने के बाद यहां देखिए सेंड एसएमएस, आपका सिम इसी में रहना चाहिए इसीलिए इसके बाद वेरिफिकेशन होगा। तो जितने भी परमिशन मांगा जाएगा अलाउ कर देना है। प्लीज वेट सेंडिंग एसएमएस फॉर मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन, आपका मोबाइल जो है ऑटोमेटिकली वेरीफाई किया जा रहा है। चलिए एक मिनट का समय हमसे मांगा जाएगा, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन इज प्रोग्रेस कंटिन्यू। अभी जो है हमें एक मिनट का समय देना है, वेरिफिकेशन होने में जो है टाइम लगता है क्योंकि ऑटोमेटिक मैसेज सेंड किया जाता है और सिम जो है आपका सिम कार्ड जो भी आपने मोबाइल नंबर में बैंक में दिया हुआ है इसे जो है ऑटोमेटिकली बैंक वाले वेरीफाई करते हैं, उसके बाद ही आपको नेक्स्ट प्रोसेस में दिया जाए। और यहाँ देखिए हमें सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया। आर यूज़र ऑथेंटिकेशन, तीन ऑप्शन दिए गए हैं, आई हैव डेबिट कार्ड, आई हैव इंटरनेट बैंकिंग, आई हैव ब्रांच टोकन कोड। ब्रांच टोकन कोड होता है 6 अंकों का ओटीपी जिसके माध्यम से आप लोग बैंक में कर सकते हो। और सबसे आसान ऑप्शन है आई हैव डेबिट कार्ड, अभी तो वर्चुअल डेबिट कार्ड भी आ चुका है, आप लोग वर्चुअल डेबिट कार्ड के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना एटीएम कार्ड एक्सपायरी डेट और ईयर लिख के सबमिट करते हैं। अगर एटीएम कार्ड का सभी डिटेल आप सही भरते हैं तो आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, डेबिट कार्ड वेरिफिकेशन कंप्लीट सक्सेसफुली। उसके बाद सिंपली नीचे आपको ओके वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके फिनिश हो जाएगा। 24 आवर्स के लिए आपका 50,000 लिमिट दिया गया है। हमारा जो है सभी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, ऊपर देखिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट फिनिश हो चुका है। उसके बाद एम पिन बनाने के लिए आपको कहा जाएगा, जिनका एम पिन पहले से ही बना है उनको नहीं कहा जाएगा, मेरा एम पिन पहले से ही बना है। और ट्रांजेक्शन लिमिट जो है मुझे 50,000 तक की 24 घंटे के लिए दिया गया है, उसके बाद जो है ये लिमिट ज़्यादा हो जाएगी। चलिए ओके पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ दो ऑप्शंस दिए गए हैं, यूज़र आईडी और पासवर्ड। यूज़र आईडी आपका सीआईएफ नंबर होता है जो कि मैंने पहले ही बताया, आप लोग घर बैठे निकाल सकते हैं फॉरगेट करके। आप एम पिन जो है फॉरगेट करके सिंपल यहाँ पर सीआईएफ नंबर लिखिएगा और आपकी एक ओटीपी आएगा, ओटीपी देने के बाद आपका जो है एम पिन बन जाएगा। सीआईएफ नंबर ऊपर चलिए लिख लेते हैं, यानी कि कस्टमर आईडी सीआईएफ नंबर यूज़र आईडी सिम होता है। चलिए लिखने के बाद हम पासवर्ड लिखने के बाद लॉगिन करते हैं, प्लीज वेट। और यहाँ देखिए हमारा सक्सेसफुली वेरीफाई होके यहाँ डू नॉट रिपीट टुडे यहाँ ऐड आ रहा है, इसे ओके पे क्लिक कर देते हैं। और यहाँ देखिए हम सक्सेसफुली अपने अकाउंट में लॉगिन हो चुके हैं। इसके माध्यम से आप लोग डेबिट कार्ड, चेक बुक स्टॉप करवा सकते हैं, डिजिटल रुपी जो भी मतलब यहाँ पर है आप लोग टोटल डिटेल वगैरह देख सकते हैं। सेंट्रल मोबाइल बैंकिंग में सभी फैसिलिटी दी गई हैं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपके अगले इन्फॉर्मेशन के साथ।